सदन प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शुक्ला, आइए ले चलती हूँ आपको आज दिन भर की बड़ी खबरों की। किसान आंदोलन को लेकर जहां एक तरफ भाजपा सरकार घिरती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और भाजपा की छींटाकशी का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। खबर राजधानी दिल्ली जखीरा नेहरू नगर मार्केट की है, जहां मार्केट के दुकानदारों ने आज काफी आक्रोश जताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार, एमसीडी सरकार सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लगातार आम जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है। पिछले 15 सालों में नेहरू नगर मार्केट में विकास दर के नाम पर धप्पा है, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। नाली और सड़क निर्माण को लेकर बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया नेहरू मार्केट के दुकानदारों ने। दोनों ही पार्टियों पर लगाए हैं गंभीर आरोप और गंदगी और विकास की धज्जियां उड़ाते हुए आम जनमानस का हुआ बुरा हाल। देखिए स्वतंत्र प्रभात की यह खास रिपोर्ट। विधायक मेयर होते हुए भी यहां बलजीत नगर, नेहरू नगर, प्रेम नगर के वासी अभूतपूर्व सुविधाओं के लिए वंचित हैं। आइए बात करते हैं कि यहां पे क्या क्या समस्याएं उनकी हैं और इनके ही मुख से सुनते हैं। यहाँ पे आपको कितने दिन से यह सड़क का नवीकरण नहीं हुआ है और 15 सालों से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही सड़क का निर्माण हो रहा है, ना यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि ना पर यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई स्कूल है, ना यहाँ से कोई एम्बुलेंस निकल सकती है और सारे मतलब बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है क्योंकि पूरा पानी पानी कीचड़ दलदल हो जाता है, किसी प्रकार को आदमी निकल नहीं सकता, सब लोगों को बहुत समस्या है। तो जब ये समस्याएं हैं तो हर साल फिर भी आप जो है निगम का चुनाव हो या जो है यहाँ का सांसदी चुनाव हो तो आप लोग फिर उसी प्रदर्शनी का भी साथ देते हैं, ऐसा हर पार्टी के सामने ये मुद्दा रखा जाता है और हर पार्टी चाहे वो नगर निगम हो या लोकसभा के चुनाव में हो या विधानसभा के चुनाव में हो, हर पार्टी के सामने मुद्दा रखा जाता है और हर पार्टी आश्वासन देती है ताकि आपका क्षेत्र में विकास होगा, काम होगा, लेकिन ऐसे 15-20 सालों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हर बार यहाँ पर केवल लॉलीपॉप ही दिखाया जाता है और अभी थोड़ी दूर कुछ ही दूरी पर मैंने देखा कि वहाँ पे इस तरह से पानी भरा हुआ है कि लोगों को बेबसी में उस पानी में घुसकर अपना सफ़र तय करना होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन जिम्मेदार है इसका? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पा रही, यहाँ पर नाले उठे पड़े हैं, नालों से पानी अवर होके आता है, पूरे नाले बिल्कुल भरे पड़े हैं सारे नालों, बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पा रही। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जिन्होंने निगम कर्मचारियों के 13,000 करोड़ रुपए रोक के बैठे हुए हैं, ऐसा कहना है लोगों का, जिसके वजह से कर्मचारी आज 8वें दिन हड़ताल पर हैं और हर क्षेत्र में इन समस्याओं को लेकर भारी मात्रा में लोगों के बीच में आक्रोश है कि ये आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है, निगम पार्षद की या MLA की या सांसद की, इसका कौन जिम्मेदार है? उसके जिम्मेदारी राजनीतिक जिम्मेदार है और जनता को भोगना पड़ता है, चाहे वो विधानसभा हो या फिर यहाँ का नगर निगम हो, वो सब लोग राजनीति करते हैं और सिर्फ राजनीति के समय वोट मांगने आते हैं, बाकी काम करने के लिए कोई नहीं आता। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप भी कुछ बताएं। अरे भैया प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, यहाँ तो कोई नहीं काम करता जाता है, ना कोई विधायक आकर काम करवाता है, यहाँ सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। इलेक्शन के टाइम सभी लोग लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं और फिर लगता है कि जब बात होती है तो यहाँ पे आप देखिए कुछ ही देर हुआ है, अभी यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ लगना चालू हो गई है तो यहाँ पे एम्बुलेंस को लेकर भी लोगों में एक आक्रोश है कि किसी आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस के आने जाने में यहाँ पे दिक्कत होती है, सड़कें सही रूप से ना बने होने के कारण। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।